नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। किडनी की समस्या थी इनको, जानेंगे इनसे डिटेल्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है, मेरे बेटा है प्रांशु। अच्छा, प्रॉब्लम प्रांशु को। प्रॉब्लम प्रांशु को है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली की। जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी प्रांशु को? इसको वीकनेस थी, वॉमिटिंग भी थी, इसको थकावट थी, भूख कम लगती थी। अच्छा, तो क्रिएटिनिन भी काफ़ी बढ़ा हुआ था जब आए थे? इसका क्रिएटिनिन था 1.8। 1.8 था जब आए थे? अच्छा, तो काफ़ी मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, बढ़ रहा था पहले? बढ़ रहा था वो जी, इंक्रीज हो रहा था जी। और साथ में और भी समस्या जैसे बता रहे, भूख भी नहीं लग रही थी? भूख नहीं लग रही थी, वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो रही थी, इसको थकावट थी जी जी। कितना समय से ये प्रॉब्लम थी प्रांशु को? इसको 1.5 साल हो गया। लास्ट ईयर एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, कुछ प्रोटीन वगैरह लिया था इसने, तो उसके बाद एडमिट हुआ था, हम तभी पता चला था इसको हल्की सी किडनी में दिक्कत है, तो 1.6 था इसका लेवल। तो उसके बाद मैं, डॉक्टर ने बोला था कि अब हर साल टेस्ट कराना है KFT, तो मैंने ऐसे KFT टेस्ट कराया, तो उसमें दोबारा इसका 1.4 इसका आया क्रिएटिनिन लेवल। तो मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर एक महीना का लेकर के मेडिसिन बंद कर दिया, फिर दोबारा दिसंबर में 1.8 आया जी, तब दोबारा स्टार्ट किया मेडिसिन। तो काफ़ी ज़्यादा 1.8 था जब आप आए थे हमारे पास, और अभी उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जी। और साथ में फिजिकली भी काफ़ी तकलीफ है, फिजिकल भी इसको थी प्रॉब्लम ना। तो क्या क्या मतलब अभी कैसा लग रहा है बेटा? अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट है। क्या क्या फ़र्क लग रहा है पहले से? पहले से थोड़ी वीकनेस कम लग रही है बॉडी में, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से। ठीक है, पहले वीकनेस ज़्यादा लग रही है? पहले वीकनेस ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि पहले से कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं, पहले तो दिक्कत बढ़ रही थी जी। तो आप माता हैं, तो आप मदर हैं, तो आपको ही पता होगा क्या क्या चेंजेस विजिबल हुए सर। चेंजेस हैं पहले से काफ़ी, रिजल्ट अच्छा है, बट मेडिसिन कई बार नहीं लेता है तो वो तो इंक्रीज हो गई, अगर लापरवाही करेगा बच्चा तो। इसमें मेडिसिन तो टाइम से लेनी पड़ती, मेडिसिन लेनी है, डाइट फॉलो करना है, सब चीज़ें टाइम से फॉलो करना ही करना है। चलिए, लेकिन बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि क्रिएटिनिन रिड्यूस होना शुरू हुआ है, और ये इन्होंने टेस्ट कराया है, प्रियांशु नाम है पेशेंट का, 20 ईयर्स एज है, 9 दिसंबर 2023, 1.7 के आसपास था क्रिएटिनिन का जब आए थे, 1.78 के आसपास था। और उसके बाद फिर इन्होंने कई सारे टेस्ट कराए, और उसके बाद जो क्रिएटिनिन हो गया वो 1.3 की रेंज में भी आया है इनका, और ये इन्होंने कराया 2/4/2024, 1.8 से 1.3 की रेंज में भी आया, यानी कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और इस दौरान आपको फिजिकली भी बहुत अच्छा लगा होगा? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फिट लग रहा होगा, ऐसा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन भी काफ़ी कम हुआ और नॉर्मल की रेंज में ही आ गया ऑलमोस्ट, और यूरिया भी नॉर्मल आ गया। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि दोनों चीज़ें नॉर्मल भी आई हैं इनकी। सर यूरिया तो उसका बाकी लेवल्स इसके नॉर्मल ही थे, बस क्रिएटिनिन लेवल ही बढ़ा था। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया इसका नॉर्मल था स्टार्टिंग से ना, चलिए सारे लेवल्स इसके नॉर्मल थे। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो भी रिड्यूस हुआ है और नियर नॉर्मल की रेंज में आ गया, मतलब बिल्कुल परफेक्टली ठीक होने की रेंज में आ गया, और फर्दर मुझे उम्मीद है कि और अच्छे चेंजेस आएंगे और ये बहुत ही जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये एक थोड़ी सी गंभीर समस्या है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पेशेंट इसमें, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड भी सेम इसी प्रॉब्लम से ही गए हैं, तो इसलिए मैंने चीज़ देखा है, मैं इस प्रॉब्लम से निकली हुई, तो मुझे टेंशन रहती है कि जो मैंने उनके साथ निकाले दिन वो बेटे के साथ ना हो। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एक तरीके की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लगता है कि वो स्थिति ना आए और यहीं से ठीक हो जाए जी। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट को, क्योंकि आप भुक्त भोगी हैं, आप देख चुके हैं कि कैसे। बिल्कुल सर, जब मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था तब भी अच्छा उनको रिजल्ट मिला था आपकी मेडिसिन से, बट उस टाइम एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी साथ, तो हम उसको बंद नहीं कर सकते थे, तो सिंगल पर्सन थे वो वर्किंग, तो वो भी बेड पे आ गए थे, तो इसलिए 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला है, आपसे 2 महीने चला, उनका इफेक्ट अच्छा नज़र आया, उनकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी हो गई थी मेडिसिन लेके, बट फिर कुछ टाइम बाद डेथ हो गई थी उनकी, डायलिसिस पे आ गए थे। चलिए, आप थोड़ा लम कम ही समय दवाई चली, लेकिन उन समय में भी इनको, लेकिन जब भी दवाई आपसे ली है तो 2 मंथ चली है, तो उसे अच्छा रिजल्ट अच्छा मिला, रिजल्ट अच्छा मिला, बस फाइनेंशियली इश्यू की वजह से हमें स्टॉप करनी पड़ी मेडिसिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को भी जो है अच्छा रिजल्ट आए और नॉर्मल हो जाए, और ये भी इस तरह की जो है समस्या बढ़े ना, और बढ़ने से दिक्कत ज़्यादा होगी। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिएटिनिन जो है ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है, और गंभीर स्थिति, और ये भुक्त भोगी हैं, इनको पता है कितनी गंभीर समस्या है और कितनी गंभीर तरीके से ये बढ़ती चली जाती है और डायलिसिस तक ले जाती थी जी। 2 महीने इनके हस्बैंड ने भी हमारे यहाँ से दवाई ली थी, और उस 2 महीने के दौरान उनको अच्छे रिजल्ट आए, बट ड्यू टू सम रीजन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए,
और ये सारी स्थिति के बाद आज फिर इनके बेटे को सेम समस्या हुई है। 1.8 था जब आए थे, आज 1.3 हो चुका है। 1.3 जो है ये काफ़ी नॉर्मल हुआ है और फिजिकली भी काफ़ी अच्छी चेंजेस नज़र आए हैं। जी सर। स्टॉप किडनी डायलिसिस,